अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो देखिए, सऊदी एयरलाइंस की तरफ से एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। उन्होंने जो है लगभग 33 डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ़्लाइट जो है शुरू कर दी हैं। नवंबर से उन्होंने शुरू करने का जो है फैसला किया है। और पहले जो है उसमें दिल्ली का नाम नहीं था और कुछ और एयरपोर्ट थे उसमें उनका नाम नहीं था, तो उनको जो है बढ़ा करके अब 33 यानी कि एयरपोर्ट है जहाँ से अब जो है सऊदी एयरलाइंस की जो फ़्लाइट है वो जाएंगी भी वहाँ से, और वहाँ से बंदों को भी लेकर के आएंगी यहाँ पे सऊदी अरब में। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली का भी नाम शामिल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, जो ये खबर आई है थोड़ी ही देर पहले जो है सऊदी एयरलाइंस के ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने जो है ट्वीट करके बताया इसके बारे में, और अखबार 24 पे भी ये न्यूज़ है कि जो 33 यानी डेस्टिनेशन है जहाँ पर उन्होंने फ़्लाइट शुरू करने का जो है फैसला किया है सऊदी एयरलाइंस ने, जो कि नवंबर से शुरू हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग यहाँ से यानी सऊदी अरब से अगर जाना चाहते हैं इस फ्लाइट से तो कौन लोग जा सकते हैं, और जो दिल्ली में यानी कि ये सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट जाएगी नवंबर से तो कौन लोग वहाँ से इस फ्लाइट से वापस आ सकते हैं, और किन लोगों के लिए ये फ़्लाइट जो है शुरू की गई है, और इसका टिकट कितने का रहेगा अगर कोई यहाँ से जाना चाहेगा, क्या इसमें अजनबी जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्या ये अजनबियों के लिए फ़्लाइट शुरू की गई है या नहीं की गई है, तो पूरी जो है जानकारी इसमें कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। पर आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि इस वीडियो को ना आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक सेकंड के लिए भी इसको मत निकालना, क्योंकि आप लोग जो है स्किप कर देते हैं वीडियो को, फिर पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुँचती है, तो इसमें जो है जानकारी आपसे मिस हो जाएगी। तो इस वीडियो को जो है ना आखिर तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ में जो है शेयर करना ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके पूरी पूरी, क्योंकि ये जो खबर आई है इसमें बहुत एजेंट जो है लोगों को धोखा दे देंगे और वो पैसा भी कमा सकते हैं इसमें, और बहुत लोग जो है इसमें मिसगाइड होने के बाद, क्योंकि वो इस तरह से जो है इसको आपको बताएंगे, और बहुत यूट्यूबर भी आप जो है मेरी वीडियो देखने के बाद देखेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह ये वीडियो जो है सबसे पहले इसके बारे में जो न्यूज़ आई है मैं ही बना रहा हूँ इस पर, और इसके बाद में जो है आप देखना कि बहुत सारे यूट्यूबर आ गए मिसगाइड करेंगे और इस न्यूज़ को इस तरह से बताएंगे आपको, वो आप खुद ही देख लेना किस तरह से बताएंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये खबर आई है यहाँ पर अखबार 24 पे है, सऊदी एयरलाइंस अनाउंसेस द ऑपरेटिंग शेड्यूल फॉर 33 ऑथराइज्ड ट्रेवल डेस्टिनेशन एंड द एक्सक्लूडेड कैटेगरीज। यानी कि सऊदी एयरलाइंस ने जो है ऐलान कर दिया है अपनी फ़्लाइट को चलाने का, यानी 33 जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर ये जो है फ़्लाइट चलाई जा रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्विटर अकाउंट है सऊदी एयरलाइंस का, तो यहाँ पर जो है देखिए उन्होंने ट्वीट करके बताया गया है, और ये जो ट्वीट किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यानी कि लगभग 9 बजे किया गया था सऊदी के टाइम के हिसाब से। और देखिए यहाँ पर जो इन्होंने ट्वीट करके बताया कि सऊदी अनाउंसेस फॉर परमिटेड ट्रेवलर्स द इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिज्यूम्पशन शेड्यूल फॉर 33 डेस्टिनेशन सो फार। तो देखिए ये जो पेज यहाँ पे दिखाया गया है इसमें ये बताया गया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिज्यूम्पशन शेड्यूल फॉर परमिटेड ट्रेवलर्स ओनली। तो देखिए बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे ये जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो फ्लाइट जो है चलाई गई है यानी कि शुरू हो गई है, हो जाएगी यानी नवंबर से, और यहाँ पे जो है एक बात यहाँ पे कही है उन्होंने कि फॉर परमिटेड ट्रेवलर्स ओनली, यानी कि वो कौन लोग हैं जो परमिटेड ट्रेवलर्स की लिस्ट में आते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और जो है यहाँ पे मिडल ईस्ट के लिए है यानी दुबई वगैरह के लिए इसमें फ्लाइट है, कुवैत के लिए है, यूरोप में जो है अमेरिका यानी यूएस और यूरोप के लिए भी है इसमें, पेरिस, लंदन, मैड्रिड, इस्तांबुल वगैरह है, और एशिया में देखिए काफ़ी सारे जो है इसमें एयरपोर्ट के नाम जो है दिए गए हैं। जो इंडिया की हम बात करें यहाँ पे तो देखिए मुंबई के एयरपोर्ट पे भी ये फ्लाइट जाएगी और दिल्ली के एयरपोर्ट पे भी ये जाएगी, बाकी इसमें कोची जो है कोची का एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद भी है यानी पाकिस्तान के लिए है, पेशावर, मुल्तान यानी कि 3-4 एयरपोर्ट जो है इसमें पाकिस्तान के हैं, और बांग्लादेश के लिए भी ये फ़्लाइट जा रही है। पर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए इंडिया की, तो इंडिया में दिल्ली और मुंबई के लिए ये फ़्लाइट जाएगी नवंबर से। तो देखिए अफ्रीका में कुछ एयरपोर्ट इसमें यहाँ पे इन्होंने बताए हैं, लगभग 6 एयरपोर्ट हैं, जैसे ये है कैरो यानी कि जो मिस्र वगैरह है वो है, मगर हमें यहाँ पर दिल्ली और मुंबई के बाद जो है बारे में बात करनी है। पर सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि ये जो फॉर परमिटेड ट्रेवलर्स ओनली है, तो ये परमिटेड ट्रेवलर्स जो है कौन है, इसमें कौन लोग हैं, क्या अजनबी यानी जा सकते हैं या आ सकते हैं इसमें, क्या वो इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, क्या उनको किस यानी कौन सी परमिट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको सिंपली जो है एक चीज़ समझाना चाहूँगा
कि जो आपका परमिट है यहाँ से जाने का, तो आपको किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं होती यहाँ से जाने के लिए। जो आपके पास में खुरूज उहदा होता है यानी एग्जिट रेंट्री वीज़ा होती है आपके पास में, वो आपका परमिट है। और जो यानी कि कोई फाइनल एग्जिट जाना चाहता है तो वो उसका परमिट हो गया फाइनल एग्जिट जाने वालों के लिए। तो यहाँ पर जो परमिटेड यानी कि जो बात कही गई है, तो ये अजनबियों के लिए फ़्लाइट्स नहीं है, ये फ़्लाइट जो है उन लोगों के लिए है जो यानी कि जैसे कि आपको मालूम है कि अभी साउथ एयरलाइंस जो है इंडिया के लिए बैन है। तो ये जो परमिटेड ट्रेवलर्स है वो लोग हैं वो यानी कि जो अस्करी हैं यानी जो सोल्जर हैं, अगर वो किसी काम से जाना चाहते हैं सऊदी से इंडिया तो वो यानी दिल्ली एयरपोर्ट पर मुंबई एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। या जो प्लेयर हैं जो खिलाड़ी होते हैं अगर वो कुछ खेल या कोई टूर्नामेंट है या कोई मैच वगैरह है तो वो यानी परमिटेड ट्रेवलर की लिस्ट में आते हैं, वो इसमें जा सकते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो सऊदी एम्बेसी में काम करते हैं सऊदी सिटीजन। देखिए यहाँ पे जो फॉर परमिटेड ट्रेवलर्स का जो जिक्र दिया है इसमें, तो यहाँ पे परमिटेड ट्रेवलर्स वही हैं जिनको गवर्नमेंट जो है परमिट बना करके देती है इन जगह जाने का। यानी 33 जो डेस्टिनेशन है इसमें गैर मुल्कियों के लिए नहीं है, ये जो है वो सऊदी सिटीजन हैं उनको परमिट मिलता है, वही लोग जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो अस्करी हैं यानी कि जो सोल्जर हैं वो जा सकते हैं, या वो लोग जो प्लेयर हैं जो यानी खेलने के लिए वो जा सकते हैं, या उसके अलावा जो सऊदी एम्बेसी जो इंडिया में है वो जो है यहाँ से जा सकते हैं। यानी सऊदी सिटीजन जो है यानी कि जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं सऊदी अरब के अंदर सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट से। अब जो है बात यहाँ पे यह है, क्या इससे अजनबियों को कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि अजनबियों को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। अजनबियों को जो है इससे यहाँ पे यह फ़ायदा हो सकता है कि अगर ये जो है सऊदी एयरलाइंस की जो है वेबसाइट है मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर यहाँ से मान लीजिए अगर जद्दा से आपको जाना है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट यहाँ पे दिखाए हैं, तो मैं यहाँ पे दिल्ली का जो है आपको डाल के दिखा देता हूँ अगर कोई जाना चाहता है तो। तो ये मैंने जद्दा से दिल्ली का इसमें दिया है सिंगल वे यानी वन वे का टिकट। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो वहाँ पे जो है नवंबर 2020 उन्होंने बताया है ट्विटर में, तो 1 नवंबर का जो है मैं यहाँ पे टिकट चेक करता हूँ यानी जद्दा से दिल्ली के लिए 1 नवंबर को आप चेक करते हैं यहाँ पे टिकट है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको एग्री कर देता हूँ, तो देखिए जो भी रिजल्ट हो हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है फ्लाइट जा रही हैं जद्दा से दिल्ली के लिए सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट है, मगर 1 नवंबर को जो है वो सीट फुल हो गई है, 2 नवंबर को भी फुल हो गई है, 3 नवंबर को फ़्लाइट दिखा रहा है, 4 नवंबर को दिखा रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 3 नवंबर को जो फ़्लाइट है वो कितना का जो है इसमें यानी टिकट पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पर अभी ये दिखा देगा। देखिए जद्दा से अगर दिल्ली कोई जाना चाहता है 3 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर 2 नवंबर को फ़्लाइट जो है फुल है, अगर कोई 3 नवंबर का टिकट बुक करना चाहता है तो वो जा सकता है। यहाँ पे दिखा रहा है देखिए 22 बज के यानी 22 बजे जो है जद्दा से फ़्लाइट जाएगी, 17 बजे यानी उतर जाएगी दिल्ली में यानी दिन के 5 बजे, और 1270 रियाल का टिकट है सिंगल वे का। अगर कोई अजनबी भी इसमें जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंडिया से कोई आ नहीं सकता। जैसे कि आपको मालूम है कि 31 अक्टूबर तक तो इंडिया ने भी जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो बैन कर रखी है, और सऊदी एयरलाइंस तो वैसे भी यानी कि सऊदी में आने के लिए तो वैसे भी अभी सऊदी अरब की यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये बैन कर रखा है। तो अगर कोई अजनबी जाना चाहता है यहाँ से तो वो सऊदी एयरलाइंस का टिकट जो है वो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आकर के बुक कर सकता है। 1270 रियाल का है, 2438 रियाल का है, और इसमें गेस्ट फ्लेक्स का है 2050 रियाल का। तो यानी अपने हिसाब से जो है इसको आदमी अगर चाहे तो बुक कर सकता है। अब बात रही देखिए वो मैंने आपको बता दी है, तो देखिए मैंने जो है पूरी इसमें जानकारी दे दी है आपको। ये जो परमिटेड ट्रेवलर हैं वो वही हैं जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जिनको परमिट दी जाती है, या वो लोग जो यानी कि अभी सस्पेंशन है जैसे कि बैन लगा रखा है, तो वो लोग जो इस चीज़ से बरी हैं यानी कि जिन पे ये बैन नहीं लगा हुआ है वो लोग यानी सऊदी एयरलाइंस से जा सकते हैं दिल्ली मुंबई, और वहाँ से वो आ भी सकते हैं। पर इसमें गैर मुल्कियों का यानी कि जिक्र नहीं है, गैर मुल्की नहीं आ सकते वहाँ से, पर अगर कोई जाना चाहता है तो वो बुकिंग कर सकता है ऑनलाइन, वो दिखा रहा है। पर ये जो यहाँ पे पूरी न्यूज़ है ये सिर्फ जो है सऊदी जो सिटीजन है उन्हीं के लिए है, जो लोग एम्बेसी में काम करते हैं, जो लोग प्लेयर हैं, या वो लोग जो सरकारी महकमे में काम करते हैं जैसे सऊदी एम्बेसी है इंडिया के अंदर दिल्ली मुंबई में, तो वो लोग सऊदी सिटीजन वो लोग जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।